वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ड्रेस स्टिच किया है। यहाँ पे बॉक्स है, कफनी पट्टी है और कफनी पट्टी और स्टेन में हमने सीक्वेंस का यूज़ किया है और स्लीव में बलून स्लीव बनाए और यहाँ पे भी सीक्वेंस का यूज़ किया है। अब इस कुर्ती की जो रिक्वेस्ट है हमें इंस्टाग्राम पे आई थी मेरे अकाउंट पे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको कोई ड्रेस बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे DM करें, उसका पिक सेंड करें, तो मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए कि उस ड्रेस को किस तरीके से बनाना है। तो हमारे एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर है, उन्होंने हमें ये DM किया था इस कुर्ती की, तो ये स्टिच आज हमने किया है और उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी किसी ड्रेस में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मुझे DM कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल ये कुर्ती कोई कस्टमर की नहीं है, हमने ये वीडियो बनाने के पर्पज से ही कुर्ती को बनाई है। इसकी साइज 36 चेस्ट साइज है, बॉडी साइज है। अब इसमें कौन सा लूजिंग रखना है, किस तरीके से इसका कटिंग का मेथड है, पूरी डिटेल में बनाई है। इसको हमने दो पार्ट में बनाई है, पहले पार्ट में हम इसका कटिंग करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो इस पार्ट में हम इसका कटिंग करेंगे और इसका लुक आप देख सकते हो। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप अपने किसी ड्रेस में दिक्कत आ रही है तो मुझे DM करके पूछ सकते हो कि इस ड्रेस को किस तरीके से बनाना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस ड्रेस को बनाने की। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो में शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि चैनल पर आप अगर नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस ड्रेस का मेजरमेंट इस तरीके से 36 की चेस्ट है, बॉडी मेजरमेंट है। अगर आपका मेजरमेंट सिमिलर है आप मुझे फॉलो करके बना सकते हो। इसके लिए हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसकी जो विड्थ है वो 60 इंच की है, बड़े पने का फैब्रिक है। तो ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, इसके अंदर हम इनर नहीं यूज़ करेंगे, मेन फैब्रिक पे ही बनाएंगे सिर्फ। और इसकी पैटर्न के लिए जो हमने कफनी पट्टी पे सीक्वेंस लगाई है जैसा कि आपने देखा ड्रेस में दोस्तों, इसके लिए मैंने ये जितनी चेस की हमारी साइज़ है, जैसे 36 की चेस है तो इससे हमने 8 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको फोल्ड किया है। अगर आपके पास नॉर्मल पना है, जैसे 44 विड्थ का जो पना आता है, छोटे पने का कपड़ा है, तो आप उसको पूरा ले सकते हो ए लाइन के लिए। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे जितनी चेस्ट साइज़ है उससे 8 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको फोल्ड किया है। तो पहले हम बैक साइड कटिंग करेंगे, फिर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए। यहाँ से लेंथ लेंगे, 34 की लेंथ है, अब दोस्तों ये कॉलर वाला ड्रेस है तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना हमारा शोल्डर है उससे हम 1 इंच प्लस कर देंगे। जैसे शोल्डर से हम आधे माप पे चेस की लाइन ड्रॉ करते हैं तो इससे 14 इंच के शोल्डर है, तो ये 7 इंच पे हमारा 14 इंच का शोल्डर रहेगा और यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे यानी 8 इंच पे चेस की लाइन उतारेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कमर की लाइन नहीं लेना है लेकिन सिर्फ मार्क कर लेना है और हिप की साइड भी मार्क कर लेना है, इसकी लाइन ड्रॉ नहीं कर दिए, सिर्फ इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम चेस की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हिप की लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर की लाइन ड्रॉ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है इस ड्रेस में, क्योंकि पूरा लूज फिटिंग का ड्रेस है ये। और यहाँ लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर हमारा 14 इंच का है तो यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया था, तो यहाँ पे भी 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 8 इंच पे इसको मार्क करेंगे, यानी टोटल हम 2 इंच इसमें प्लस करेंगे। 14 के शोल्डर है तो यहाँ पे हम 16 इंच के शोल्डर रखेंगे, आप यहाँ पे 15 इंच के भी रख सकते हो, लेकिन ये लूज वाला ड्रेस है, लूज फिटिंग का, तो हम यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे तो इसके हम 16 के शोल्डर करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 15 इंच। यहाँ पे हम सिर्फ 1/2 इंच ही ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों चेस हमारी 36 इंच की चेस है तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे पहले इस तरीके से, और इसके अंदर हम 0.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, 0.75। जितनी आपकी चेस है
उसका चौथा हिस्सा लेना है और इसमें लूजिंग कितना 0.25 इंच रखना है। तो ये 3 इंच टोटल लूजिंग होगा चेस की साइड पे। अब यहाँ पे हिप का जो मेज़र है 40 इंच की हिप है हमारी, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके लिए हमें कमर और हिप का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से हम 0.5 इंच इसमें लूजिंग रखेंगे, क्योंकि हम इसका ए लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा रखेंगे और उसमें 0.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको हम इसी तरीके से शेप दे देंगे, स्ट्रेट शेप दे देंगे, इसमें कोई कमर का शेप नहीं रखेंगे हम। अब यहाँ अमूल के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाजू में एक लाइन ड्रॉ करेंगे शेप के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आमोल में भी हम 0.5 इंच प्लस करेंगे, जिसे यहाँ पे ये 17 इंच का आमोल है, तो 17 इंच का आधा लेंगे तो 8.5 होगा, तो इसको हम 0.5 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच पे कर देंगे। तो इस ड्रेस में आमोल में भी लूजिंग रहेगा, क्योंकि ये पूरा लूज फिटिंग का ड्रेस है, इसका ध्यान रखना है हमें इस तरीके का कभी भी ड्रेस बना रहे हो तो। अब यहाँ पर हम 0.5 इंच पे स्टेन जो हमारी नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे और फिर यहाँ पे जो हमने मार्क किया था उस पर डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो ये बैक साइड का इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे, नीचे फोल्ड के लिए रखना है। और ऊपर सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। यहाँ पे एक कट लगाएंगे, आमोल पे कट लगाएंगे और यहाँ ऊपर की साइड भी कट लगा लेंगे। अब ये जो निशान है वो बैक साइड पे ले लेंगे, ताकि हम जब सिलाई करेंगे ड्रेस को तो आसानी रहे हमें। तो ये मार्किंग उठा लेना है बैक साइड पे। तो इस तरीके से बैक साइड का हम कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड के लिए दोस्तों हमें कपड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे फ्रंट साइड पे। अब आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग जितना आपका पना है, जितनी आपकी विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्लीट को बॉक्स को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ अढ़ी इंच का बॉक्स बनाएंगे फ्रंट साइड पे। तो ये 0.5 इंच पे पहले मैं मार्क कर दूंगा। तो फैब्रिक को हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना अकॉर्डिंग जितना भी आपको बॉक्स बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। कम से कम 2 इंच तो रखना ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच रखोगे तो फिर उसको हम जब सिलाई करेंगे तो वो टोटल 1 इंच का ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये 0.5 इंच का रखा है। अब इसको हमें एज इट इज कटिंग कर लेना है, जैसा हमने बैक साइड कटिंग किया है। अब इस तरीके से दोस्तों फ्रंट कटिंग करने के बाद जो हमें कफनी पट्टी बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये हमारी 34 की हमारी जो लेंथ है, तो इसका आधा ले लेना है हमें, जिसे 34 का 17 आएगा 17 इंच। तो ये 17 इंच तक हम कफनी पट्टी बनाएंगे, 1 इंच ऊपर से कट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, तो 16 इंच पे इसको इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ से इतना कट करके निकाल लेंगे कपड़े को। इस तरीके से अब यहाँ पे हम आमोल कट कर लेंगे,
आमोल कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेन के लिए हम 4.25 से 4 इंच तक आप दे सकते हो यहाँ पे। स्टेन के लिए हम इस तरीके से नेक कट करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों फ्रंट साइड इस तरीके से कट होगा। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक कटिंग कर लेना है। अब हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे, फुल स्लीव है। स्लीव के लिए दोस्तों इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और उसके बाद हम एक मार्क करेंगे यहाँ पे, और जितना हमने आमोल मेजर किया था 18 इंच का, तो यहाँ पे भी इस तरीके से 9 इंच पे मेजर टेप को इस तरीके का आमोल का शेप देना है और इसका मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। अब इसकी हम लेंथ लेंगे, 21 की लेंथ है तो ये पूरी लेंथ ले लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसकी प्लीट रखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी इस तरीके से ए लाइन आप शेप दे सकते हो जितना चाहो उतना। फिर भी मैं आपको एक अंदाजे से बताऊं, जैसे 9 इंच का हमारा ये है तो आप कम से कम इसका डबल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का फ्लेयर रखा है स्लीव के लिए। तो ये जो राउंड शेप है इसको अंदर की तरफ लिया है और इसको हमने इस तरीके से शेप दे दिया है। यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे लेंथ के लिए। अब इसमें दोस्तों जो ये बलून, यहाँ पे जो बलून गिरता है, तो उसके लिए क्या करना है, जितनी आपकी लेंथ है, जैसे 21 इंच की लेंथ है हमारी स्लीव की, तो ये 21 इंच की कटिंग करनी है। लेकिन जो हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे 1 से 1.5 इंच की, उसको हम अलग से करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 1 से 1.5 इंच प्लस हो जाएगी। तो जब ये प्लस होगी तो यहाँ पे जो काउल या जो बलून गिर रहा है वो अपने आप इसमें आ जाएगा। तो आप कभी भी बलून स्लीव बना रहे हो तो इसमें 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो इसको हम 21 इंच की स्लीव को कटिंग करना है। यहाँ पे हम सिर्फ सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करेंगे, ऊपर की साइड भी सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेना है। आमोल के यहाँ पे कट लगाएंगे, सेंटर का कट लगाएंगे और फ्रंट साइड का आमोल हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे भी कट लगाएंगे फ्रंट साइड के लिए। तो हमारी स्लीव दोस्तों इस तरीके से कटिंग होगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस ड्रेस का कटिंग यहाँ पे फिनिश होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।